बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सारी बहनें, तमाम बहनें जितने भी आज संघर्ष में एकत्रित थी, सभी बहुत खुश हुई हैं। सबने इतनी बड़ी जीत हासिल करी है, लेकिन अभी हमारी जीत अधूरी है। जब तक हमें पूरी दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार सभी से हमें न्यूनतम वेतन नहीं मिलता, तब तक हमारी जीत अधूरी है। हमारी सभी मांगे पूरी हो जाए, हम आगे के लिए ये योजना बना रहे हैं कि हमें सब मांगे हमारी पूरी हो। लेकिन इसमें हम एसएम न्यूज़ का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि एसएम न्यूज़ ने हमें शुरू से लेकर, पहले हड़ताल के पहले दिन से लेकर और 59 दिन तक हमारी एक एक खबर को हमें, या यूट्यूब के जरिए या प्रचार के जरिए जैसे भी किया, इन्होंने बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया। इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सभी बहनों की तरफ से एसएम न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेगा और मैं इस लड़ाई में जीतने के लिए आगे खड़ी हुई थी, क्योंकि हम ईमानदारी से लड़े।
इजहार अलग ही होता है। 59 दिन के बाद माउसी काटने के बाद आज उन्हें बड़ा अच्छे ढंग से डांस करने का, नाचने का, एक दूसरे के गले मिलने का जो इन्हें एक बहुत अच्छी खुशखबरी मिली है। बहुत अच्छा ढंग से इनको यहाँ पर ये केजरीवाल के निवास स्थान पर इनको डांस करना बहुत अच्छा लग रहा है। आज इन्होंने 59 दिन के बाद विजय प्राप्त की है। खुशी रुक नहीं पा रही है। इस तरीके से जो ओल्ड लेडीज हैं जिनका अब रिटायरमेंट का समय नजदीक है, वो भी अपने आप को रोक नहीं पा रही हैं। उसी खुशी के अंदर ढोल ताशे वहाँ बज रहे हैं और ये अपना डांस यहाँ कर रहे हैं। और आज खुशी का बहुत ही ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने पूरे जीवन की जो एक विजय थी, आज इन्होंने वो विजय प्राप्त कर ली है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के निवास स्थान पर इन्होंने खुशी का, विजय का झंडा लहरा दिया है। और ये भी बोलिए कि अगला एजेंडा है हमारा मोदी के खिलाफ। हाँ, अगला एजेंडा है हमारा मोदी के खिलाफ।
नहीं पा रहे, डांस कर रही है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप सोचेंगे सोचेंगे अगर कोई देर में होगी लड़ाई के बाद अगर जीत लेता तो कितनी खुशी होती है। हम जीत की खुशी में हमारे पैर खुद ही अपने आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और नाच की खुशी में इतना होगा कि बस बाकी अपना एजेंडा हमारा मोदी के सरकार के खिलाफ। अभी आपका दिल्ली सरकार केजरीवाल के खिलाफ था, अगला आप केंद्र सरकार के खिलाफ क्या करना चाह रहे हैं? ये तो हम दिसंबर में बताएंगे हम क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें न्यूज़ आ रहे हो रही है तो आप एक बार डांस करें।